गांव और शहर की बहू का करवा चौथ। विक्रम, विराट बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मुझसे घर का काम खुद से नहीं होता। तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो कि मेरे लिए बहू ला सकते हो। इसलिए कल ही पंडित जी से कहकर तुम्हारे लिए लड़की देखूंगी और अगले महीने तक शादी। ठीक है माँ, आप जो बोलो मैं तो वही कर दूंगा। पर माँ, मुझे ये मंजूर नहीं है। मेरे लिए आप लड़की मत देखना। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? क्या तू शादी नहीं करेगा? माँ, मैं शादी करूंगा, लेकिन एक साल से मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं शादी उसी से ही करूंगा, और वो अमीर घर से भी है। मतलब विराट तू प्रेम विवाह करेगा? उस लड़की का क्या खानदान है, क्या गोत्र है, और हमारे से वो लड़की नहीं मिल पाई तो? हाँ भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस उसी से शादी करूंगा। अच्छा ठीक है, बड़े भाई के लिए लड़की देख लेती हूँ, फिर एक साथ शादी कर दूंगी अगले महीने। जी माँ। सुमित्रा का बड़ा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसी हिसाब से सुमित्रा को गांव की अनुप्रिया नाम की लड़की विक्रम के लिए मिलती है, और सुमित्रा को भी अपने बेटे के लिए सीधी संस्कारी गांव की लड़की चाहिए थी। कुछ दिन बाद ही सुमित्रा अपने दोनों बेटे विक्रम और विराट की शादी अनुप्रिया और नताशा से कर देती है। फिर सुमित्रा की दोनों बहू गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बेटों की शादी हो गई और मेरी दोनों बहुएं आ गई। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तुम दोनों मेरे बेटों का बहुत ख्याल रखोगे ना? जी माँ जी। अरे आपने मेरा लहंगा देखा, कितना ब्यूटीफुल है। पता है, खास मनीष मल्होत्रा की कलेक्शन से ऑर्डर किया है, और ये मेरी जेठानी, देखो तो कैसी लग रही है। इन्होंने तो लहंगा भी नहीं पहना, लाल साड़ी में ही शादी कर ली। हाँ वो क्या है ना देवरानी जी, लहंगा बहुत भारी हो जाता है, और मेरा इतना खास मन नहीं था, इसलिए लाल साड़ी में ही शादी कर ली। ओ, मुझे लगा गरीब हो इसीलिए इतना महंगा लहंगा अफोर्ड नहीं कर पाए और 1000 रुपए की साड़ी पहनकर शादी कर ली। खैर जो भी हो, मुझे तो दोनों बहुत प्यारी लग रही हो, अंदर चलो रस्म भी करनी है। माँ मैं बहुत थक गया हूँ, तो जल्दी करना। हाँ माँ। फिर सुमित्रा अपने दोनों बहू बेटों के साथ शादी की अंगूठी ढूंढने की रस्म करती है। फिर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वक्त बीतता है, दोनों बहू शुरुआत में अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, फिर नताशा धीरे धीरे नखरे दिखाने शुरू करती है और घर का कोई काम नहीं करती थी। वहीं भोली भाली जेठानी के ऊपर कभी खाना बनाना तो कभी घर की सफाई जैसे वो काम छोड़ दिया करती थी। जहां एक तरफ अनुप्रिया सीधी सिंपल रहती थी, तो नताशा मॉडर्न ब्लाउज साड़ी मेकअप में रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा कहती है, हाँ तो बहू, मैं कह रही थी 2 दिन बाद तुम्हारे पहले करवा चौथ का व्रत है, तो तुम दोनों आज ही अपनी पूजा का और पहनने ओढ़ने का सामान खरीद लो। बहू तुझे तो सब पता होगा ना, तू गांव से जो है, और नताशा बहू तुझे तो इतनी खबर होगी कि भूखे पेट चांद आने के बाद पूजा करने के बाद ही कुछ अन्न खाया जाता है, तो ख्याल रखना, और कोई बात हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। माँ जी मुझे ज्यादा रीति रिवाज नहीं पता, पर देख लेना, मैं भी करवा चौथ अच्छे से ही बनाऊंगी, और उसके लिए सबसे पहले मुझे पार्लर जाकर हेयर स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर सब करवाना पड़ेगा, फिर कल मेहंदी लगाऊंगी, आज मुझे शॉपिंग का काम भी करना है, बहुत ज्यादा काम है, इसलिए माँ जी खाना दीदी बना लेंगी और मैं शाम तक ही आ पाऊंगी। ठीक है बहू, और अनुप्रिया बहू तुझे नहीं जाना ब्यूटी पार्लर, तुझे भी तो सुंदर दिखना है ना आखिर। नहीं माँ जी, मुझे इन सब का शौक नहीं है, वैसे ही तैयार होकर आपको अच्छी लग जाऊंगी। अच्छी बात है, वैसे भी मुझसे ज्यादा ना सुंदर दिख पाएगी, और तुम गांव की गवार के पास कोई टैलेंट तो है नहीं, तैयारी तो मैं ही करूंगी करवा चौथ पर अच्छे से। फिर दोनों बहू करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग निकल जाती हैं। जहां नताशा 25,000 की साड़ी लेकर आती है, फिर पार्लर जाकर अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाती है, वहीं अनुप्रिया सिंपल साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान खरीद लेती है। फिर एक गरीब औरत से कहती है, अम्मा जी ये करवा और छलनी कैसे दी है? ये चीज आपको 150 रुपए की पड़ेगी। अरे बेटी, करवा चौथ में सुहागन मेहंदी भी तो लगाती हैं, ये नहीं खरीदोगी? ठीक है दे दीजिए, और जहाँ तक बात है तो मैं उसके घोल को अपनी उंगलियों पर लगा लूंगी, कौन से लगानी नहीं आती है ना। अच्छा बेटी,
फिर दोनों बहू सामान खरीद कर घर आ जाती हैं। अगले दिन नताशा अपने हाथ पैरों पर सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगवाती है, वहीं अनुप्रिया ने मेहंदी का घोल लगा लिया था। बहू तू भी डिजाइन बनवा लेती और गीत तो गाज, छोटी बहू तू भी गा ले। माँ जी ये गाँव की गवार चीज मुझे नहीं आती, जेठानी जी से करवा लीजिए। मैं गाती हूँ माँ जी, प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए, हो ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, ऐसी जोड़ी बन जाए। वाह बहू तू तो बहुत अच्छा गाती है, खुश रहो, कल 4 बजे जल्दी उठ जाना सरगी खाने के लिए। अगली सुबह के 4 बजे सुमित्रा अपनी दोनों बहू को सरगी खिला देती है। फिर दोनों बहू लाल जोड़े में करवा चौथ के लिए तैयार हो जाती हैं और दोपहर तक करवा माता की कथा सुन लेती हैं, जहां गली की बाकी औरतें आकर करवा चौथ की थाल घुमाने की रस्म करती हैं। अरे वाह नताशा, तुम तो बहुत चमक धमक वाली लग रही हो आज, और शक्ल भी चमक रही है, ब्यूटी पार्लर गई थी क्या? हाँ, पूरे 30,000 में मेक ओवर करवाया है, आखिर मेरा इतना स्पेशल दिन जो है, और साड़ी वो तो और भी महंगी है, और मेरी करवा चौथ की थाली भी 500 रुपए की है, मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से रात हो जाए और चांद निकल आए। तुमने तो बहुत पैसे लुटा दिए एक ही दिन में, पर तुम्हारी जेठानी भी काफी सुंदर लग रही है। अनुप्रिया तुमने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए ना, और पार्लर भी नहीं गई। क्या फायदा पैसे खर्च करके, विक्रम मुझे इतने में भी पसंद कर लेंगे, और करवा चौथ माता के लिए श्रद्धा हो, आज के दिन वही जरूरी है। ऐसे ही सुहागन औरतें आपस में बात करते हैं, फिर रात के 8 बजे तक चांद निकल आता है। अनुप्रिया पूरी विधि के साथ चंद्रमा और अपने पति की चलनी में देखकर पूजा करती है, फिर अन्न ग्रहण करती है और अपने पति के पैर छूती है, पर वही नताशा जल्दी जल्दी चांद को देखकर अपने पति के तिलक करती है। विराट जल्दी मुझे पानी पिलाओ और ये मेरी फेवरेट मिठाई भी खिला देना, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है भूख, पैर भी नहीं छूंगी मैं तुम्हारे। पर थोड़ा आराम से करो, हवड़ हवड़ क्यों कर रही हो? जल्दबाजी में नताशा उसके हाथ से पानी पी लेती है और खाना भी खा लेती है, नसास के पैर छूती है। फिर सब छत से उतरकर नीचे आ जाते हैं कि विराट का पैर फिसलने से एक्सीडेंट हो जाता है, उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ नताशा बहुत रोती है। हे भगवान ये क्या हो गया, माँ जी जेठानी जी विराट ठीक तो हो जाएंगे ना, उनके सर से बहुत खून निकला था। देवरानी जी धैर्य रखें, मुझे लगता है आपने करवा चौथ सच्चे मन से नहीं की और बिना सही विधि के खाना खा लिया, देखिए देवर जी के साथ क्या हो गया, अब करवा माता ही आपके पति की लंबी उम्र कर सकती हैं। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। मुझसे गलती हो गई, मैं करवा माता से क्षमा मांगूंगी। फिर नताशा करवा माता की कहानी सुनकर उनकी दोबारा पूजा करके कहती है, हे करवा माता मुझे जाने अनजाने में जो भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मेरे पति की आयु को मत छीनिएगा, उनकी आयु लंबी कर दीजिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। मैंने व्रत पूरी निष्ठा से रखा था, जब तक विराट को होश नहीं आएगा मैं अपने हाथ पर दीपक जला के रखूंगी। नताशा अपने हाथ पर दीपक जलाकर करवा माता के सामने बैठी है। 18 घंटे बाद विराट होश में आ जाता है और उनका शुक्रिया अदा करती है और वार्ड में जाकर अपने पति का हाथ पकड़ लेती है। विराट मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, और जेठानी जी आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये सब बताया, वो शहर की हवा में मैं करवा चौथ का मतलब ही नहीं समझ पाई, पर अब मैं आपके जैसा बनूंगी। अब जो हो गया जाने दो, बस करवा माता का शुक्रिया करो। आप कोई परेशान मत होइए, खाना खा लीजिए। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और करवा माता की वजह से विराट भी ठीक हो जाता है, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब अगले साल से दोनों देवरानी जेठानी सच्चे मन और पूरी विधि के साथ करवा चौथ का फास्ट करती हैं। 60 साल की गरीब बूढ़ी जमुना ढाबे पर बर्तन मांज रही होती है, तभी जूने से उसके हाथ में जख्म लग जाता है और खून बहने लगता है। माँ मेरा हाथ, हे माता रानी ये चोट भी अभी लगनी थी। इतने में ढाबे का मालिक मंगत राम वहां पर आ जाता है और उस गरीब बेचारी को सुनाने लगता है। अरे हद होती है काम चोरी की जमुना, वहां पर ढाबे में खाने वाले कस्टमर कब से बैठे हुए हैं और इतनी देर में तुमने 4 थालियां नहीं मांगी गई। तुम्हें मैंने ढाबे पर फ्री फंड के पैसे देने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मालिक अब ये करती हूँ।
बेचारी बूढ़ी जमुना अपनी जख्म की परवाह करना छोड़कर जल्दी जल्दी गंदे बर्तन धोने लगती है, जिसके बाद मंगतराम उसे एक और काम दे देता है। चलो जल्दी से ये टेबल साफ कर दो। तभी जमुना देखती है कि टेबल पर चिकन की हड्डियां रखी हुई हैं। बेचारी जमुना रोते हुए उसे साफ करके खुद से कहती है, हे माता रानी, ये कैसा दिन दिखा रही हो। मुझ गरीब बुढ़िया को अपनी पांचों बहुओं का पेट भरने के लिए मुझे यहाँ पर क्या क्या नहीं करना पड़ता। झाड़ू पोछा से लेकर लोगों के छोड़े हुए गंदे झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं, और तुम्हारी भक्त होकर भी ये मांस मच्छी की हड्डियां छूनी पड़ती हैं। ढाबे का काम खत्म होने के बाद रात को जमुना अपना उस दिन का हिसाब लेकर बनिए की दुकान से थोड़ा बहुत राशन पानी खरीद कर घर आ जाती है, जहां पर उसकी पांचों गरीब बहुएं आशा, अंबा, गौरी, ललिता और संतोषी एक साथ माँ दुर्गा की आरती कर रही होती हैं। ओ अम्बी तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जयकारा माँ ज्योता वालिदा, बोल साची दरबार की जय। जमुना दरवाजे पर ही खड़ी होकर अपनी बहू को माँ दुर्गा की भक्ति करता देखकर बड़ी खुश होती है। अरे माँ जी, आ गई आप? हाँ बहू, तुम पांचों माँ की ज्योत बाती कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें टोका नहीं। माँ जी आरती लीजिए। माँ जी खाने में क्या बनाना है? ये लो गौरी बहू, थोड़ा बहुत राशन लेकर आई हूँ, दाल भात बना लो। मंगत राम जमुना की गरीबी का फायदा उठाकर उसे सुबह से लेकर रात तक ढाबे पर काम करवाता और बदले में उसे सिर्फ 50-60 रुपए देता। मजबूरी के चलते जमुना इतने पैसों में भी उसके यहाँ काम कर रही थी, जिसे वो और उसकी पांचों बहुएं पेट भर कर खा भी नहीं पाती थीं। सभी आधा आधा पेट खाकर रह जाती थीं। माँ जी, कल से माँ दुर्गा की 9 दिन की नवरात्रि शुरू हो रही है, आपको याद है ना? हाँ ललिता बहू, याद है। तुम पांचों चिंता मत करो, मैं कल सवेरे ही ढाबे पर जाकर मंगत राम जी से कलश स्थापना के लिए कुछ पैसे मांग कर ले आऊंगी। यही सोचकर जमुना अगली सुबह ढाबे पर आती है। मालिक से थोड़े पैसे ज्यादा मांग लूंगी, क्योंकि फल फूल नारियल खरीदने में ही अच्छे पैसे लगेंगे, और फिर मेरी पांच बहुएं 9 दिन की नवरात्रि का व्रत रखेंगी, तो उनके लिए भी हलवा बनाने के लिए थोड़ा बहुत घोटू का आटा और व्रत के लड्डू फल ये सब खरीद लूंगी। ढाबे पर पहुंचकर जमुना मंगतराम से पैसे मांगती है। मालिक, आज से माता रानी की नवरात्रि है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। देखो जमुना, मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है तो फिर किस बात के पैसे। मुझे तुम जैसे काम में ढीले लोगों की जरूरत नहीं। चलो जाओ, अब ढाबे पर भीड़ मत लगाओ। घर जाकर जमुना उदास मन से ये बात अपनी बहू को बताती है। हे माता रानी, अब हम नवरात्रि व्रत कैसे करेंगी? हमारे घर से थोड़ी दूर में ही एक जंगल है, क्यों ना हम वहां से फल फूल तोड़कर लाते हैं। नवरात्रि का व्रत रखे हुए पांचों बहुएं भूखी प्यासी जंगल में फूल आम के पत्ते तोड़कर लाती हैं और मिट्टी से एक कलश बनाकर नवरात्रि पूजन करती हैं। हे माँ दुर्गा, हम गरीबों के पास आपको भूख लगाने के लिए पंचमेवा तो नहीं है, जो है बस यही है, इसे स्वीकार कीजिए माँ। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है, जहाँ बड़े बड़े घरों में नवरात्रि का व्रत किए भक्त फल मिठाई घी में बना हलवा खाकर व्रत खोलते हैं, वहीं बेचारी सास और उसकी पांच गरीब भूखी बहुएं पानी पीकर ही रह जाती हैं। इसी अटूट श्रद्धा भक्ति के साथ वो नवरात्रि के दिनों में आगे बढ़ती हैं। अब 5 दिन हो जाते हैं, तभी गौरी भूख से बेहोश हो जाती है। गौरी गौरी आंखें खोलो। हे माता रानी, मेरी बहू को बचाइए माँ, मैंने आप पर आस लगाई है। ये कहकर जमुना माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा हुआ जल गौरी के मुंह पर छिड़कती है, जिसे वो होश में आ जाती है। माता रानी का शुक्र है, गौरी बहू तुझे होश आ गया। तुम सबने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए ये हो रहा है। मैं तुम सबके लिए एक अच्छी सास नहीं बन पाई, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मेरे पास अन्न का एक दाना भी नहीं है। माँ जी ऐसा मत कहिए, हम पांचों के पति के शहर जाने के बाद से आपने तो माँ से बढ़कर हमारा ख्याल रखा है।
शायद माता रानी हम पांचों बहुओं की परीक्षा ले रही हैं। इसी तरह से नवरात्रि के आठों दिन सिर्फ पानी पीकर वो व्रत करती हैं। आठ दिनों तक भूखा रहने के चलते उन सभी का शरीर बहुत ही कमजोर और दुबला हो जाता है और नवरात्रि का नवा दिन भी आ जाता है, जहां आस पड़ोस के घरों में माँ दुर्गा के भक्त पूरी हलवे का प्रसाद बनाकर कंजक खिलाते हैं, वहीं गरीब सास बहू के घर का चूल्हा अभी उदास पड़ा होता है। तभी अम्बा और संतोषी की आंखों के आगे भी भूख के मारे अंधेरा छाने लगता है। माँ जी, अब मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होगी, भूख के मारे मेरा भी हाल बुरा हो रहा है। दोनों भूखी बहुएं रसोई घर में जाकर खाना ढूंढती हैं, वहीं तीन बहू सास के साथ हाथ जोड़कर माँ दुर्गा के आगे रोती हैं। हे माँ दुर्गा, मेरे साथ मेरे घर की लक्ष्मियों ने भी भूखे प्यासे रहकर नौ दिनों के नवरात्रि व्रत किया है। माँ, हम जानती हैं माँ, तुम हम गरीब बहुओं की भक्ति की परीक्षा ले रही हो माँ, मगर हम भी तुम्हारे चरणों में डटकर खड़े रहेंगे माँ, जब तक कि तुम हमें दर्शन ना दे दो। हमने ये नवरात्रि व्रत किस कठिनाइयों से किया है ये तुम जानती हो माँ। इतने में अम्बा और संतोषी रसोई घर से भागते हुए बाहर आती हैं। माता रानी ने हमारी सुन ली, माँ जी जिठानी जी आइए मेरे साथ। रसोई घर में आकर वो गरीब सास बहू देखती हैं कि चूल्हा खुद ब खुद जल रहा है और पूरी रसोई राशन से भरी हुई है, साथ ही पूरी हलवे चने का प्रसाद भी अपने आप बन रहा है। इतने में माँ दुर्गा उन्हें दर्शन देती हैं। जमुना, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पांचों बहुओं की भक्ति से प्रसन्न हुई। नौ दिनों तक भूखी रहकर भी तुम सबके मन में मेरे लिए जरा भी भक्ति नहीं घटी, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। माँ दुर्गा, आपके दर्शन पाकर मैं और मेरी पांचों गरीब बहुएं धन्य हुई। माँ, आपने हमारी पुकार सुनी, उसके लिए धन्यवाद माँ शेरावाली। इसके साथ माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं और सास बहू साथ मिलकर नौ कन्याओं को कंजक खिलाती हैं और फिर जमुना अपनी पांचों भूखी बहू को पूरी हलवा परोसकर आंसू भरी आंखों से कहती है, बहू तुम पांचों ने इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, पेट भर कर खाओ मेरी बहुओं। माँ जी, हमारे साथ साथ आपने भी तो इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, आप ही खाइए, बैठिए माँ जी। इसके बाद पांचों भूखी बहुएं अपनी सास के साथ पूरी हलवे का प्रसाद खाकर अपने नौ दिनों का व्रत तोड़ती हैं। जय माँ दुर्गे। अरे वाह संतोषी, यह हलवा कितना स्वादिष्ट बना है ना, थोड़ा और हलवा दो ना। हाँ अम्बा, ये लो अच्छे से खाओ, मगर एक बार ये चने खाकर देखो, ये भी बड़ा स्वादिष्ट बनी है। अरे सबसे स्वादिष्ट तो ये घी में बनी पूड़ी है, एकदम करारी खस्ता कचौड़ी जैसा गजब का स्वाद भरा हुआ है इनमें। अपनी पांचों भूखी बहू को इस तरह से खुश होकर पेट भरकर हलवा पूरी खाते देखकर उनकी गरीब सास मन ही मन माँ दुर्गा का धन्यवाद करती है। धन्यवाद माँ दुर्गा, आज आपने अपने दर्शन देकर मुझ गरीब सास की लाज रख ली और मेरी बहुओं की भूख मिटाई। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी माँ और हमेशा आपकी भक्ति करती रहूंगी। इसी के साथ दुर्गा भक्त सास बहू की ये कहानी यहीं खत्म होती है। दर्शकों, जो भी भक्त माँ दुर्गा को सच्चे मन से पुकारता है, माँ दुर्गा उनके दुख दूर जरूर करती हैं, उनकी खाली झोलियों को खुशियों से जरूर भरती हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।